समरणालय में रांची आयुक्त राय महिमा पात्रे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि दिनांक 12 दिसंबर को मतदान हेतु सभी प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे ताकि हर व्यक्ति अपने मत का उपयोग कर सके। और परसों चुनाव का दिन है, परसों सभी कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस को अनिवार्यता के रूप में ही सभी कर्मियों को छुट्टी देना, ना कि सिर्फ एक उनका संवैधानिक हक है बल्कि हम लोगों ने आज कल पेपर में तो किया आता है, उनके ओनर्स डायरेक्टर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सभी प्रतिष्ठानों को उनको छुट्टी देनी है जिससे कि वो वोट दे सके। हम लोगों ने इस बार बृहद पैमाने पर वोटर पर्ची बंटवाई है और मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी वोटर पर्ची आई होगी, और इस बार हम लोगों के यहाँ पे 90% से अधिक वोटर पर्ची बट चुकी है। कल हमारे यहाँ पे 2000 से अधिक बूथों पे टोटल हम लोग के यहाँ डिस्पैच होगा, और सभी पोलिंग पार्टी जो है मोराबादी से डिस्पैच की जाएंगी। रांची एसएसपी अनीश गुप्ता ने बताया, सिल्ली और खिजड़ी का चुनाव शाम 3 बजे तक, वहीं रांची हटिया और काके में शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें अर्धसैनिक बल, जिला बल, होमगार्ड के साथ कई मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त किया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो रांची जिला अंतर्गत है उनका चुनाव होना है, जिसमें रांची हटिया खिजड़ी काके शामिल है, और इसमें सिल्ली खिजड़ी का चुनाव 3 बजे तक है जो ऑफिशियल टाइमिंग है, रांची हटिया और काके में 5 बजे तक। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इसमें जितने भी अर्धसैनिक बल हैं और जिला बल है, होमगार्ड है, उसके अतिरिक्त हमारे जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो सेक्टर स्तर के हों, जोनल हों, सुपर जोनल हों, उनको विभिन्न क्षेत्रों में एक सिक्योरिटी प्लान के तहत प्रतिनियुक्त किया गया है ताकि चुनाव शांतिपूर्वक और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराया जा सके। अभी तक जो पुलिस की उपलब्धि रही है उसमें ज़्यादा जो SSTs, FSTs और हमारे जो रेडिंग पार्टीज़ हैं विशेष तौर पे थाना स्तर पे, इनके द्वारा भारी मात्रा में शराब, मादक पदार्थ, अवैध अग्न्यास्त्र इत्यादि की बरामदगी की गई है। इसके अलावा बहुत से रेड छापामारी में शातिर अपराधियों को और इनके जो वाहन चोरी गिरोह हैं उनके ऊपर भी विशेष फोकस करके छापामारी की गई है। 107 जो किए गए हैं उनमें बॉन्ड भरवाया गया है, और उसके अलावा जो सीसे के तहत कार्रवाई की गई है जैसा हमने पूर्व में कहा था, उसमें भी जो शातिर अपराधकर्मी हैं उनके विरुद्ध सीसे की धारा के तहत निरुद्ध किया गया है, और सीसे की धारा 3 के तहत जिला बदर किया गया है। हमारा प्रयास यही है कि तीसरे चरण का जो चुनाव है शांतिपूर्वक और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो, और विशेष निगरानी रखी जा रही है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जैसे खिजड़ी का और सिल्ली का कुछ क्षेत्र जो पड़ता है या कांके का सीमावर्ती क्षेत्र है, लातेहार और लोहरदगा और हजारीबाग का, वहाँ पर हमारी जो विशेष स्पेशल फोर्सेज हैं उनके द्वारा भी अभियान चलाया जाए। कितने फोर्स लगाएंगे? ना केवल बूथ बल्कि हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, QRTs हैं, उनको भी फोर्सेज दी गई। जिला बदर कितने को किया गया सर? जिला बदर कितने कार्रवाई की गई है वो लगातार उसका अनुश्रवण जिलाधिकारी एवं मेरे द्वारा किया था।